फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहावी किचन। आज स्नेहावी किचन में बन रही है पम्पकिन की सब्जी। हाँ, इसे ना लोग, कई लोग इसे कद्दू भी बोलते हैं और कोई लोग इसे कोहड़ा भी बोलते हैं। आपके शहर में आप क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं इसे आज बनाऊंगी और मैं इसे ऐसे अपनी मम्मी के स्टाइल में बनाऊंगी। मेरी मम्मी इसे कैसे बनाती है मैं वैसे ही बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, खट्टी मीठी और चटपटी बनती है ये सब्ज़ी। तो चलिए इसके तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ये सरसों का तेल है। ये मेरी ऑयल गरम हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ ये 5 फोरन, 1 चम्मच 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और ये हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं 1/4 स्पून हींग डाल रही हूँ। हींग डालने से इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें ये पम्पकिन डाल दूँगी। मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच ये अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और ये 3 चम्मच चीनी डालेंगे। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं चीनी ही डाल रही हूँ क्योंकि चीनी से ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसे ढककर पकने देंगे अच्छे से, ताकि हमारा जो ये पम्पकिन है अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मेरी सब्जी एकदम सॉफ्ट हो गई है, ये पम्पकिन एकदम सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और ये एकदम रेडी है, आप भी इसी तरह बनाइए और ट्राई करिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई चैनल पे नए आए हैं, विज़िट किए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।